लक्ष्मण पुरसियु मंदिर में आस्था के विरुद्ध हुआ कार्य। जहाँ खबर उत्तराखंड के विकास नगर में माँ यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनता ने एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी महोदय को एक संवेदनशील प्रकरण के तहत ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि लक्ष्मणपुर कैनाल रोड विकास नगर में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है तथा क्षेत्रीय जनता की आस्था का प्रतीक भी है। शिवरात्रि से एक दिन पहले क्षेत्र के कुछ शरारती तथा असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर समिति की आड़ में इस अति प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग दान पत्र लगाने की आड़ में खंडित कर दिया गया। वहीं खंडित शिवलिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिससे क्षेत्र के संपूर्ण ब्राह्मण समाज में गहरा रोष व्याप्त हो गया। साथ ही साथ हिंदू सनातन धर्म की आस्था को भी गहरा आघात पहुंचा है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने कहा कि जिन असामाजिक शरारती तत्वों द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया है, उनके खिलाफ प्रशासन को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने हिंदू सनातन धर्म की धार्मिक भावना को आघात पहुँचाया है, उनके खिलाफ जाँच उपरांत तत्काल धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं उपजिलाधिकारी महोदय ने भी इस अति संवेदनशील धार्मिक मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए उत्तराखंड से सविता रानी की यह रिपोर्ट। इसका पूरा मामला क्या है सर? दरअसल मायम रक्षक संघ के पास एक प्रकरण आया कि जिसमें बताया गया कि लक्ष्मणपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर जिसकी स्थापना 1962 में आदिगुरु शंकराचार्य और वहाँ के ग्राम सभा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा की गई थी और वहाँ पर शिवलिंग भी प्राण प्रतिष्ठित किया गया था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आस्थाएं जुड़ी हुई थी। लोग अपने जो है वहाँ पर रुद्राभिषेक और अन्य पूजा कर्म किया करते थे धार्मिक आस्थाओं से जुड़कर। तो जानकारी मिली कि शिवरात्रि से एक या दो दिन पहले मंदिर के अंदर ही समिति में कुछ लोग बताए जाते हैं, तथाकथित कुछ लोग हैं जो शायद मंदिर की भूमि पर भी गैर से जमाए हुए हैं। तो उन लोगों ने लालचवश प्राचीन शिव मंदिर जो पूजन पूजा का प्रतीक है और लोगों की आस्था का प्रतीक है, उस पर जो है ड्रिल मशीन से चलाकर दान पात्र लगाने का काम किया है, जो बेहद ही निंदनीय कृत्य है। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इस संबंध में आज हमारे द्वारा ज्ञापन उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है और उनसे जो है गुहार लगाई गई है कि तत्काल वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवा कर ऐसे लोगों पर जाँच करवा कर कार्रवाई की जाए, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की कार्रवाई की जाए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को माई यमुना शासन कदम बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों को मंदिर से बाहर खदेड़ने का काम किया जाएगा।